हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, ईपी त्रिपाठी से पेट के नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो गया है 2023 के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपी त्रिपाठी पेट की। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे और इसकी दोस्तों लास्ट डेट क्या है दोस्तों, और इसकी परीक्षाएँ कब तक होंगी, और दोस्तों क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे और बात करेंगे दोस्तों 2022 पेट की दोस्तों वैलिडिटी कब तक रहेगी। दोस्तों बात करते हैं, वीडियो में चलते हैं, बात करेंगे पेट के। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 1 अगस्त से प्रारंभ हो जाएंगे, जो 30 अगस्त दोस्तों इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे। और दोस्तों, अगर आप आवेदन में कुछ संशोधन करना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए 6 सितंबर दोस्तों लास्ट डेट है, आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं वीडियो में ऑनलाइन आवेदन के लिए। दोस्तों सबसे पहले आपको बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि 2022 की वैलिडिटी कब तक रहेगी। दोस्तों 2022 के परिणाम दोस्तों 25 जनवरी 2023 को दोस्तों जारी हुए थे, इसलिए दोस्तों हम बात करेंगे 24 जनवरी 2024 तक दोस्तों इसकी दोस्तों वैलिडिटी रहेगी 2022 के पेट की कार्ड की। दोस्तों बात करते हैं आयोग की प्रति आने वाले पद। दोस्तों आप लोग ये नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोग उसको पूरा पढ़ लेना, क्या क्या नोटिफिकेशन में है दोस्तों, कौन कौन से पद 2023 के अंतर्गत दोस्तों आएंगे। बात करते हैं आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फोटो पर हस्ताक्षर अपलोडिंग करना होगा दोस्तों, फॉर्म का शेष विवरण भरना होगा दोस्तों, फीस भुगतान करना होगा दोस्तों, और फाइनल प्रिंट आउट दोस्तों लेना होगा सबमिट करके। दोस्तों आपकी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए आप दोस्तों पूरा पढ़ सकते हैं किस प्रकार से सिस्टम है, फोटो अपलोड के दोस्तों कुछ नियम कानून है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों, कैसा सिस्टम होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों फीस की। दोस्तों फीस क्या रहेगी, जनरल ओबीसी के लिए दोस्तों 185 रुपये, वहीं पर एससी एसटी के लिए दोस्तों 95 रुपये, वहीं पर विकलांग के लिए दोस्तों 25 रुपीज़। दोस्तों बात करते हैं शैक्षिक अर्हता। दोस्तों आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप पेट का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों हाई स्कूल पास होनी चाहिए दोस्तों, आप अगर हाई स्कूल पास है तो आप UPSC पेट का एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों आयु सीमा दोस्तों 18 से 40 वर्ष। दोस्तों बात करते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं। दोस्तों आपको लिखित परीक्षा, दोस्तों बात करते हैं परीक्षा की दोस्तों डेट कब तक आएगी। दोस्तों इसी माह परीक्षा की डेट घोषणा हो जाएगी। दोस्तों इसकी परीक्षा कब तक कराएंगी, उम्मीद है दोस्तों इसकी परीक्षा अक्टूबर या नवंबर तक दोस्तों करा ली जाएंगी 100%। अक्टूबर में दोस्तों आप लोग जानकर चलिए। बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं। दोस्तों ये है सिलेबस दोस्तों, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, रीजनिंग, करंट अफेयर, स्टेटिक जीके, अपरिधिक अन्यांश, ग्राफ की व्याख्या, तालिका की व्याख्या। दोस्तों सिलेबस में दोस्तों कोई बदलाव नहीं हुआ है, आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। दोस्तों आप लोग ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।